टॉपिक है नोड। नोड क्या होता है? नोड इज द पॉइंट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। देखो, जैसे जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा ना, उसको बोलेंगे नोड पॉइंट। ठीक है, देखो जैसे बेटा ध्यान दीजिएगा, मैं एक पी ऑर्बिटल बना रहा हूं। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल मैंने बनाया, एवरीबॉडी ध्यान देना बेटा। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल में जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा जहां पर मिल रहा है, ये एक हो गया नोड पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ 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 मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं मिलेगा। तो नोड क्या होता है? जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होता है, उसको बोलते हैं नोड पॉइंट। एवरीबॉडी क्लियर? नेक्स्ट है बेटा नोडल प्लेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोडल प्लेन क्या होता है बेटा? अ वर्चुअल प्लेन, प्लेन समझ में आ रहा है, वर्चुअल प्लेन वेयर वही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होगा, उसको हम बोलेंगे नोडल प्लेन। ठीक है, इसी को बेटा आपको बुक में कहीं कहीं मिलेगा एंगुलर नोड। एंगुलर नोड और नोडल प्लेन दोनों एक ही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं? इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन एजिमुथल क्वांटम नंबर को किससे नोटेट करते हैं बेटा? बेटा एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू जीरो, सबसे पहले वेदिका ने बताया, तो नोडल प्लेन भी जीरो हो जाएगा। पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू वन बेटा, तो नोडल प्लेन उसमें एक आएगा। ठीक है, उसी तरह हम आगे लिखते हैं। तो बेटा एस ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन जीरो, पी ऑर्बिटल के लिए एक, डी ऑर्बिटल के लिए दो। तो बेटा एस पी डी एफ सबके लिए मैंने नोडल प्लेन लिख लिए, लिख लीजिए इसे। एक एग्जाम्पल से बेटा हम समझते हैं। अगर मान ले आपसे पूछ दिया जाए 2p ऑर्बिटल है, इसमें बताओ नोडल प्लेन कितना होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखना ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल है मतलब नोडल प्लेन एक। आया सबको समझ में? थोड़ा सा क्वेश्चन और टफ करेगा, पूछेगा कि नेम द नोडल प्लेन, उस नोडल प्लेन का नाम बताओ ऑफ 2px ऑर्बिटल। आपको दे देगा 2px ऑर्बिटल, उसका बोलेगा नोडल प्लेन का नाम बताओ। देखो ये बेटा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और px ऑर्बिटल, ये सबको समझ में आ रहा है, इसे हमने बताया था बेटा। y एक्सिस में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? y एक्सिस में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? वेरी गुड, ओके। अगर बेटा ठीक है, अब सिमिलरली मुझे ये बताओ, जो हमारा z एक्सिस है उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। तो बेटा एक जस्ट विजुलाइज करो, वाई जेड प्लेन, वाई जेड का कोई प्लेन है, उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाई जेड प्लेन। पीएक्स के लिए वाई जेड ऐसा प्लेन है जहां जो नोडल प्लेन होगा। तो चलो सबका बता देते हैं, पीएक्स के लिए वाई जेड, PY के लिए कौन कौन सा एक्सिस मिक्स है? X और Z, और PZ के लिए X एंड Y आर द नोडल प्लेन। एवरीबॉडी क्लियर? नोडल प्लेन सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग है रेडियल नोड। नेक्स्ट लिखिए रेडियल नोड। देखो रेडियल नोड क्या होता है? इट इज द प्लेस और इट इज द रेडियल, इट इज द रेडियल डिस्टेंस। From center या from nucleus, एक ही बात है।
where probability of binding of electron is zero, where the probability of binding of electron is zero. देखो बेटा अभी लिखना मत, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन, इसका वैल्यू बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करता है और एज्यूमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करता है। और आज के बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए रेडियल नोड निकालने का, एन माइनस एल माइनस, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल से पहले करते हैं, ध्यान दीजिएगा उसके बाद देखते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं 2s ऑर्बिटल, ठीक है, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट रेडियल लोड ऑफ 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल। देखो तो पहले मुझे रेडियल लोड का फॉर्मूला लिखना होगा, n माइनस एल माइनस वन। कोई बता सकता वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, वेरी गुड। n 2s में n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, माइनस 1, तो 1 आया। तो बेटा इसमें रेडियल नोड 1 होगा, यहां तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन कहां पर होगा चलो ये समझते हैं। एवरीबॉडी यहां ध्यान देना, देखो ये बेटा 1s है, 1s से बड़ा होगा 2s। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहेगा 2s दूरी पे। अब देखो बेटा इस दोनों सर्कल के बीच में मैं अलग कलर से बना रहा हूं, दिस इज आवर रेडियल नोड। आया सबको समझ में? 1s 2s के बीच में जो एक पतला सा सर्कल दिखा वहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, उसके ऊपर पाया जाएगा, उसके अंदर पाया जाएगा। तो ये सेंटर से जो इतना डिस्टेंस है ना, इसी को बोलते हैं रेडियल नोड। एवरीबॉडी क्लियर? बेटा मैं एक एग्जांपल और करते हैं। सपोज दैट मैंने आपको दिया है एक 3p ऑर्बिटल, इसमें से हम चेक करते हैं रेडियल नोड कितना है, ठीक है, कितना होगा रेडियल नोड देखो। थ्री माइनस वन माइनस वन, वन आएगा, ठीक है, वन आएगा गणेश, अच्छे से करो, जीरो लिखते हो, चलो एवरीबॉडी सेम वन, वेरी गुड। देखिए बेटा अब देखो ये 2p ऑर्बिटल है, सेंटर से बताओ इस 2p ऑर्बिटल में कहीं पर ऐसा है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाए, क्योंकि अगर हम 2p ऑर्बिटल की बात करेंगे तो इसके लिए रेडियल नोड क्या आएगा बेटा? 2p ऑर्बिटल के रेडियल नोड 2 माइनस 1 माइनस 1, दैट इज 0। तो 2p ऑर्बिटल में कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए, सब जगह इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। 3p ऑर्बिटल इससे बड़ा होगा, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन का अपना क्लाउड है जहां इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। अच्छे समझना बेटा, बहुत एकदम डेप्थ में बता रहा हूं। अब इस दोनों के बीच में एक ऐसा जगह आएगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, दोनों के बीच की दूरी का, इसको बोलेंगे रेडियल नोड ऑफ 3p। अगर मैं 4p लेता तो एक और बड़ा सा आता और एक और नोडल प्लेन आता। अगर 4p लेता बेटा, देखो ध्यान देना, तो 4p में एक और इधर नोड आ जाता, दो नोड होता 4p में, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे बढ़ जाता, तो दो नोड हो जाता दिस एंड दिस। तो इसी तरह से रेडियल नोड का मतलब कितने दूरी पे कहां पर पाया जाता, कहां पर पाया जा इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। एवरीबॉडी गेटिंग दिस? देखो बेटा ज़ेरेंड ऑर्बिटल क्या होता है, द ऑर्बिटल which has even number of nodal plane, which have even number of nodal plane is called
जेनेट ऑर्बिटल। तो बताओ कौन कौन सा होगा जेनेट ऑर्बिटल जल्दी से। जैसे बेटा एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, ये दोनों जेनेट ऑर्बिटल हुए। यस वेरी करेक्ट, एस एंड डी दोनों किसने दिया, स्नेहल ने दिया सबसे पहले। तो बेटा एस एंड डी जिसमें इसमें एल की वैल्यू जीरो और टू, ये होगा जेनेट ऑर्बिटल। एक होता है बेटा अनजेनेट ऑर्बिटल, देख लो पहले समझ लो ठीक है। द ऑर्बिटल विच हैज ऑड नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज कॉल्ड अनजेनेट ऑर्बिटल ठीक है। जैसे एल एंड एफ, वेरी गुड, चलो बढ़िया बेटा लिख लो। नेक्स्ट बेटा एक ग्राफ आपको पढ़ना होता है, कभी कभी पूछा जाता है कंपटीशन में, ग्राफ ऑफ रेडियल नोड ठीक है। रेडियल नोड का ग्राफ हम बना रहे हैं, जैसे कि किसका किसका बनाएंगे, मान लेते कोई 2s ऑर्बिटल है, एक 2p ऑर्बिटल का बना लेते हैं और एक 3s ऑर्बिटल का ठीक है। एवरीबॉडी सबसे पहले एक काम करो, जल्दी से 2s ऑर्बिटल का रेडियल नोड बताओ कितना होगा, बताओ आपको जल्दी से। कितना होगा 2s का, सबने कहा है 1, कृतिका सिर्फ 0 का ही है, कृतिका बेटा आपका गलत है। 2p का कितना हो जाएगा 0 और 3s का, टू ठीक है ओके। चलो बेटा ओके, अब ध्यान दीजिए इसका हम ग्राफ बना रहे हैं। y एक्सिस r रेडियल है मतलब डिस्टेंस ठीक है, y एक्सिस हो गया r बेटा रेडियल डिस्टेंस ठीक है। अब देखो 2s जो ऑर्बिटल है उसके पास एक नोडल प्लेन, बात समझ में आ रहा है, मतलब एक ऐसी जगह होगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा करेक्ट। से यस के 2s में एक ऐसी जगह होगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, बाकी सब जगह इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा ओके। चलो देखते हैं y एक्सिस है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, इसको हम स्मॉल r से दिखाएंगे। 2s बेटा ध्यान दो, ये पूरा एक जगह इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, एक इसको थोड़ा नीचे बना देंगे ठीक है, ये x एक्सिस को एक जगह वो कट करने वाला है, ये एक जगह जो कट किया ना इसी को हम बोलते हैं रेडियल नोड। क्योंकि देखो ये पूरा यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा ऊपर और नीचे, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा ठीक है। दिस इज द 2s और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस का मतलब ये हुआ कि बेटे जब हम 2s बताए थे ना, दिस इज 1s और ये 2s और सेंटर से कुछ ना कुछ आपने किसी बच्चे ने पूछा था कि कितना दूरी पे नहीं पाया जाएगा, तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड। एवरीबॉडी गेटिंग दिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मतलब सब कंपटीशन में इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा। अब बेटा हम 2p ऑर्बिटल की बात करते हैं, y एक्सिस स्मॉल एक्सिस को स्मॉल, यहाँ पर r है, यहाँ पर मैं r लिख देता हूँ बाकी आप लिख लीजिएगा। एक भी नोड नहीं, मतलब कहीं पर भी कट नहीं करेगा इस x एक्सिस ठीक है। और अगर ये हो गया 2p का, और अगर बेटा मैं 3s का बना रहा हूँ रेड से बनाऊंगा कि दो जगह कट करेगा, एक दो जगह कट किया बस, उसके बाद कट नहीं करेगा, तो ये दोनों क्या हो गया रेडियल। आया समझ में, चलो जल्दी से लिख लो बेटा ठीक है। ये भी स्मॉल r और कैपिटल, देखो बेटा रेडियल नोड ग्राफ ऑफ ओनली s ऑर्बिटल विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ठीक है।
सिर्फ एस ऑर्बिटल का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, पी डी एफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं।